खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। पंजाब में 423 हस्तियों की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल होगी, 7 जून से वापस मिलेगी सुरक्षा, ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। दरअसल जिस तरह से पंजाब की मान सरकार ने जो फैसला लेते हुए वीवीआईपी की जो सुरक्षा वापस ली थी और उसके बाद जो बड़ी घटना पंजाब में हुई सिद्धू मूसेवाला की, किस तरह से बेरहमी से हत्या की गई थी, उसके बाद मान सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही थी और अब हाई कोर्ट की फटकार के बाद यह बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें हाई कोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश, तो वीवीआईपी की सुरक्षा एक बार फिर से बहाल होगी, जिनकी सुरक्षा मान सरकार ने वापस ले ली थी। कोर्ट की फटकार के बाद आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने फैसला बदल दिया है, यह बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें 7 जून से यह सुरक्षा वापस मिलेगी, बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि मान सरकार ने दरअसल ना सिर्फ वीवीआईपी की सुरक्षा को वापस लिया था बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो लिस्ट सामने आई जिन वीवीआईपी की सुरक्षा हटाई गई थी और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया पंजाब में, और सबसे बड़ी घटना जिसने सबको चौंका दिया और साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, पंजाब के मानसा जिले में बेरहमी से कत्ल किया गया सिद्धू मूसेवाला का, उसके बाद पंजाब की मान सरकार गंभीर सवाल के सामना कर रही थी और अब दरअसल हाई कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है, 7 जून से वापस सुरक्षा मिलेगी उन वीवीआईपीस को जिनकी सुरक्षा मान सरकार ने वापस ले ली थी। वीवीआईपी की सुरक्षा फिर से बहाल होगी और कोर्ट की फटकार के बाद दरअसल आप सरकार ने यह फैसला किया है, बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण खबर। मान सरकार के उस फैसले के बाद लगातार विरोधी दल कई गंभीर सवाल उठा रहे थे, और बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड वरुण गोयल जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जिस तरह से मान सरकार ने एक फैसला लिया, उसके बाद जो घटना सिद्धू मूसेवाला को लेकर हुई और अब आखिरकार फटकार के बाद कोर्ट की सरकार ने फैसला वापस ले लिया है, और क्या कुछ जानकारी सुनवाई के दौरान किस तरह से सुनवाई हुई? कोर्ट काफी नाराज था और कोर्ट ने जवाब मांगा था और जो जवाब दिया गया उसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सीधा यूटर्न लेते हुए कहा है कि वो सुरक्षा वापस कर देगी। हालांकि अपनी सफाई में सरकार ने ये कहा कि जो उन्होंने सुरक्षा वापस ली थी वो बहुत छोटे समय के लिए वापस ली थी, 424 लोगों की जो सिक्योरिटी वापस की गई थी, अब उसमें क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी है तो 423 लोगों की सुरक्षा जो है वो वापस की जाएगी। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसमें याचिका दाखिल हुई थी जिस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सरकार से जवाब मांगा था और उसके बाद सभी लोगों की सुरक्षा वापस दिए जाने की बात सरकार ने कह दी है और 7 जून से सुरक्षा फिर बहाल हो जाएगी, क्योंकि अभी पंजाब में घल्लूघारा जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी कहा जाता है उसके मद्देनजर पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट है और ये बड़ा तनावपूर्ण वक्त होता है, तो इसके खत्म होने के बाद 7 जून से सुरक्षा वापस कर दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार क्योंकि नाम डिस्क्लोज बाहर आ गए थे, सबके नाम आ गए थे, उसको लेकर बहुत आलोचना हुई थी कि आप सिक्योरिटी कवर हटाने के बाद उनके नाम भी सार्वजनिक कर रहे हैं, तो उन्हीं तमाम चीजों को लेकर के इस बार पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो फूक फूक कर कदम रख रही है और उसने आज कोर्ट में ये कह दिया है कि वो 420 से ज्यादा वीवीआईपी की सुरक्षा कवर 7 जून से फिर से बहाल करने जा रही है। सर एक सवाल और है आपसे, क्योंकि मान सरकार ने भले ही आज सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी हो कि छोटी अवधि के लिए सुरक्षा वापस ली थी, लेकिन उस वक्त जब मान सरकार ने ये फैसला किया था उस दौरान कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई थी? देखिए उस वक्त भी एक सफाई दी गई थी और कहा गया था कि पहले भी ऐसा होता रहा है, दरअसल 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है, उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाते हैं, दिल्ली से खुद गृह मंत्री से मिलकर भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 10 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की थी। 6 जून का दिन, 5 और 6 जून का जो दिन होता है बड़ा तनावपूर्ण रहता है ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के चलते, तो सुरक्षा के दृष्टि से ये बात कही गई थी, लेकिन दलील भी यही दी गई है कि हमने सिर्फ छोटी अवधि के लिए उनको हटाया था, लेकिन अब वो सुरक्षा कवर अगर छोटी अवधि के लिए हटाया गया था तो उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं थी, जिसे जिस तरह से सोशल मीडिया पर डिटेल डाली गई थी और बताया गया था कि 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है, तो वो एक सफाई जरूर है सरकार की ओर से, लेकिन क्योंकि आलोचना बहुत हुई है, एक चूक यहाँ पर दिखाई दी है
और रिव्यू ठीक से नहीं हुआ था, ये साफ तौर पे पता लगता है जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। तो अब सरकार ने यू टर्न लिया है और बताया है कि 7 तारीख से सुरक्षा वापस होगी। बिल्कुल, तो बड़ा फैसला लिया गया है भले ही कोर्ट की फटकार के बाद ही क्यों ना। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो वीवीआईपी की सुरक्षा एक बार फिर बहाल होगी और 7 जून से सुरक्षा बहाली का काम शुरू किया जाएगा। 7 जून से सुरक्षा वापस मिलेगी। तो हाई कोर्ट में दरअसल एक याचिका दाखिल की गई थी जिसको लेकर सुनवाई हुई। इससे पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और आज की सुनवाई में उस जवाब को मिलने के बाद, हाई कोर्ट की फटकार के बाद, पंजाब की मान सरकार ने कहा है कि 7 जून से उन तमाम वीवीआईपीज को सुरक्षा वापस दी जाएगी जिनसे सुरक्षा ली गई थी। हालांकि इस बीच एक बड़ी घटना जरूर पंजाब में हुई है और वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। बीते दिनों हमने देखा किस तरह से बेरहमी से उनका कत्ल किया गया था और उसके बाद पंजाब की सरकार, पंजाब की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठे थे।